डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। कैंसर का इलाज अब हुआ पेनलेस। ऑपरेशन के बाद वे पहले आने वाली परेशानियों, जटिलताओं को बेहद ही आसान तरीके से दूर किया जा सकता है। जो ट्यूमर आगे जाकर लोगों की जान पर बन आते हैं, उन्हें अब बेहद सीमित समय में नष्ट किया जा सकता है। ऐसा संभव हो सका है साइबर नाइफ S7 से। मेरठ के वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल में यह सुविधा उपलब्ध हो गई है। देश की यह पहली मशीन है जो वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल में स्थापित की गई है। इस आशय का दावा करते हुए हॉस्पिटल निदेशक डॉक्टर अमित जैन, डॉक्टर महीप सिंह गौड व डॉक्टर दिनेश सिंह ने कहा कि कैंसर मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही साइबर नाइफ S7 से मेरठ में इस दिशा में पुनः क्रांति की शुरुआत हुई है। डॉक्टर महीप सिंह गौड विमेंस हॉस्पिटल दिल्ली में गामा नाइफ न्यूरो रेडियो सर्जरी के डायरेक्टर रहे हैं, जबकि डॉक्टर दिनेश मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के रेडिएशन विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। चिकित्सा क्षेत्र के दिग्गज हस्तियां अब मेरठ के वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों का समुचित इलाज करने के लिए तत्पर हैं। शुक्रवार की रात आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्गज चिकित्सकों ने बताया कि रोबोटिक रेडिएशन बहुत ही सटीक तरह से सिर्फ ट्यूमर को केंद्रित करता है, इससे शरीर के आसपास के हिस्सों पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अब बड़े ट्यूमर का इलाज भी वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल में शुरू हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित साइबर नाइफ S7 द्वारा 1 से 5 बार की सीटिंग में ही इलाज पूर्ण हो जाता है, जबकि कई कैंसर में 30 से 35 बार जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता था। देखिए, ये साइबर नाइफ S7 रोबोटिक रेडिएशन थेरेपी मशीन है। तो साइबर नाइफ जो है एक अकेली रोबोटिक मशीन होती है रेडिएशन थेरेपी के लिए, जिससे किरणें बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से जहां हमारे ट्यूमर्स हैं उन पे केंद्रित किया जाता है, जिससे आसपास बहुत कम जो है डोज जाती है, कोई साइड इफेक्ट जिससे ना हो। और तो साइबर नाइफ अभी हमारे देश में केवल बड़े शहरों में ही उपलब्ध थी कुछ, और उत्तर भारत में केवल 2 ही मशीनें थीं। अभी साइबर नाइफ का ये लेटेस्ट वर्जन, मोस्ट एडवांस वर्जन S7 लॉन्च हुआ था अमेरिका में पिछले वर्ष, और ये भारत में पहली मशीन है जो कि मेरठ में वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल में शुरू कर दी गई है। और पुराने साइबर नाइफ वर्जन के ऊपर ये और भी एडवांस्ड है कि इससे हम बड़े ट्यूमर्स भी कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि और जो बहुत कैंसर नहीं कर सकते थे वो भी कर सकते हैं, कई सर्जर साइट्स, और इसमें इन्वर्स प्लानिंग कुछ फीचर्स होते हैं, जितनी डोज हमको जहाँ चाहिए उतनी हमको मिल सकती है, और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी आजकल नई एडवांस टेक्नोलॉजी के फीचर्स हैं उस पर हम सटीकता से बहुत ज़्यादा डोज देकर ट्यूमर्स को ख़त्म कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ब्रेन के अंदर नॉर्मल टिश्यू को डैमेज ना हो। जो साइबर नाइफ S7 मशीन है, ये 0.1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी से काम करती है, जिससे कि हम ब्रेन ट्यूमर्स को बिना नॉर्मल ब्रेन को चोट पहुंचाए हुए और गहराई में बैठे हुए ट्यूमर्स को भी इलाज कर सकते हैं। जो ट्यूमर्स ऑपरेशन से द्वारा नहीं निकाले जा सकते हैं उनका, जो पूरी तरह नहीं निकाले जा सकते उनका भी इलाज होता है, और बहुत से ट्यूमर्स पे जिनका ऑपरेशन हो सकता है उसमें ऑपरेशन बचाया जा सकता है। जो ट्यूमर्स डेलिकेट स्ट्रक्चर जैसे आपकी नस है या कान की नस है उनके पास पड़े हुए हैं, जहाँ पर ऑपरेशन से हम नहीं पहुँच सकते, उनको बड़ी आसानी से इससे ट्रीट कराया जा सकता है। ये वाली जो मशीन है रेडियोथेरेपी की साइबर नाइफ S7, इसमें जो पुराने वर्जन से एडवांसमेंट्स ये है कि इसमें मल्टी लीफ कॉलीमेटर है, जिसकी वजह से इसका ना साइज़ जो हम ट्रीट कर सकते हैं, बड़े ट्यूमर्स को भी ट्रीट कर सकते हैं और शरीर के किसी भी हिस्से के ट्यूमर्स को ट्रीट कर सकते हैं। अभी हमारा एक पेशेंट था मेरा, 90 साल के बुजुर्ग हैं वो, उनको ईसोफेगस का कैंसर था और वो बड़ी उम्र की वजह से इलाज कराना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने आकर के इस पर अपना ट्रीटमेंट कराया है और आज 2 हफ्ते के बाद में दिखाने आए थे और वो काफ़ी खुश थे, बिना साइड इफ़ेक्ट के उनको बहुत अच्छा आराम आ गया है। तो इसका बहुत 1 से लेकर के और 7 सिटिंग्स के बीच में ही ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। एक्यूरेसी अच्छी होने की वजह से साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाते हैं और क्योर रेट्स बेटर हो जाते हैं।
अच्छा, पेशेंट पर जो खर्चा पड़ता है उसमें क्या डिफरेंस होगा? कुछ फ़ायदा होगा पेशेंट को या और महंगा होगा इलाज? जो रेडियोथेरेपी की कॉस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जो उसकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, उसके आने जाने की, जो उसके साथ में केयर गिवर है, तो उस तो टोटल ओवरऑल कॉस्ट जो पेशेंट की है वो कम हो जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।